वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत कौशाम्बी थाना क्षेत्र में पुलिस टीम के द्वारा दो सातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो OLX पे गाड़ी नंबर और उसका डिटेल डाल करके OLX के माध्यम से गाड़ी बेचते थे। जब दो तीन शिकायतें ऐसी मिली थाने पर, तब इस पे कार्रवाई शुरू हुई और इनको दो को पकड़ा गया है। दो सातिर अभियुक्त अभी फरार हैं, जिसमें एक है अनस, जो चोरी की गाड़ियां इन लोगों को प्रोवाइड कराता था। दूसरा है रमन सरकार, जो RTO का दलाल है करोल बाग में, और ये इनको फर्जी RC दिलवाता था इन गाड़ियों का। कितनी वाहन अभी कनेक्ट हुए हैं आपको? 21 गाड़ियां हम लोगों ने बरामद की हैं इनसे, इसमें 4 गाड़ियां अभी कनेक्ट हो गई हैं, और बाकी गाड़ियों का भी इंजन नंबर, चेचिस नंबर और उनके नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से हम लोग बाकी गाड़ियों को भी कनेक्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं। जो गिरफ्तार आरोपी थे शादाब और नुसीर, इनका क्या रोल था इसमें? ये OLX पर इसको डालते थे और कस्टमर से कनेक्ट होकर के कस्टमर को कॉल करके उनको गाड़ियां देते थे। प्लस एक चीज इसमें और थी कि 5,000 रुपये इस बात का नहीं लेते थे कि जब हम गाड़ी का कागज आपको प्रोवाइड करा देंगे तब 5,000 रुपये दे देंगे। अब तक कुछ पता चल पाया इन लोगों ने कितने ऐसी घटनाएं अंजाम दिया होगा? इन लोगों ने करीब सैकड़ों घटनाओं को अंजाम दिया है अब तक, और जिसमें अभी तक हम लोगों ने 21 गाड़ियां बरामद की। सर, ऐसा भी इनमें कुछ गाड़ियों में देखने को मिला है जो असली नंबर है वही दूसरी गाड़ी नंबर पर बेचते थे? बिल्कुल, ये जो गाड़ियां बेचते थे वो किसी न किसी अन्य गाड़ी का, उसी मॉडल की अन्य गाड़ी का नंबर उस पे फर्जी ढंग से डाल करके देते थे। सर, ये कितने टाइम से काम कर रहे हैं इस तरीके का? ये सालों से, कई सालों से इस घटना को कर रहे हैं।